माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो जी चलें, अभी तैयारी करते हैं हैदराबाद जाने की, और उसके बाद में हैदराबाद में मुझे जल्दी जल्दी से बहुत तैयारी करनी है क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेबी की बर्थडे भी है, तो उसमें भी जाना है। तो अभी जल्दी से तैयारी करते हैं और फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं, फिर डायरेक्ट मैं वहाँ का ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग देखते चलिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। हाँ जी, तो अभी मैं पहुंच गई थी हैदराबाद और फटाफट से मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया था। तो अभी ये मैं लगा रही थी मिस्ट, क्योंकि हाइड्रेट भी करना है पहले स्किन को। जो लड़कियाँ कहती है कि हमारा ड्राई मेकअप लगता है और पैचेस बन जाते हैं मेकअप के और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, प्रिपेयर ज़रूर किया करें अपनी स्किन को। उसके बाद जो है आपके स्किन पे जो मेकअप है वो ज़्यादा स्टे भी करता है और ग्लो भी देता है फेस को, तो बहुत ही प्यारा मेकअप होता है ऐसे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैंने फिर ये लगाया फाउंडेशन, फाउंडेशन मैंने लगाया है हुदा ब्यूटी का, शेड मुझे अभी याद नहीं। फिर जी मैंने लगाया जीआर का कम्पैक्ट पाउडर, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और उसके बाद मैंने लगाया है चीक टू चेक ब्लश लगाया है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। फिर आ जाती है बारी माय फेवरेट टर्न का, फा ब्यूटी का हाइलाइटर। हाइलाइटर इज़ माय फेवरेट, इसके बिना तो मेकअप अधूरा लगता है भाई। उसके बाद टेंथ की बारी आ जाती है और मुझे बिल्कुल लाइट लुक देना था अपने मेकअप का, न्यूड लुक देना था, तो उसके लिए मैंने बीच में सिर्फ टेंथ लगाया है और मैं ग्लॉस लगा लूँगी, इससे बहुत ही शिमरी सा शेड आ जाता है जो बहुत ही प्यारा लुक देता है। और आप लोग बताएं कैसा लगा आपको मेरा मेकअप, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब आप नजर आई है, यस, ये भी कोई भी आ रहा है। इसने सबीना की सूं को बर्दाश्त नहीं किया, ये चाह रही थी कि हम इसको दिखाएं। हाँ जी, तो जी मैं आ गई हूँ मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में। और तो जैसे कि अभी हम बेरा पहुंच गए हैं और मैं रात को थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो आते ही सो गई थी। उसके बाद सुबह उठी तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और जाने की तैयारी में लग गई, पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। हाँ जी, तो अभी जब मैं पहुंची तो मुझे कॉल आ गई थी कि गेस्ट आने वाले थे, और उसके बाद मैं मुस्कान के साथ मार्ट आई थी। तो लेते हैं अभी घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह भी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुस्कान हाय करो। तो ये बेचारी आई हुई है मेरे पास, मज़ा आया आपको पहले में मेरे साथ, दूर तो नहीं गई। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छे से सब कुछ हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो इसलिए रेसिपीज़ वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और ये मिठाई लेकर आए थे मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड तो आगे देखते जाएं आप लोग, आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा और बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। आ, हमारी भाभी काम करते हैं, क्या कर रही है भाभी? ये सब कुछ भाभी ने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। वेलकम भाभी, अभी भाभी चाय बना रही है। कैसा बना था सब कुछ? बहुत अच्छा है, ज्यादा आपको क्या पसंद आया? हर चीज, हर बहुत अच्छी थी हर चीज। अरे तो अभी मेरे हस्बैंड ने ली है बाइक, उनकी उनको बहुत शौक चढ़ा था 2-3 दिनों से कि मुझे बाइक लेनी है, बाइक लेनी है। कौन सी बाइक ली है तो ये भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, थोड़ी एंटिक सी है, भी पुराना पुरानी है आई मीन, तो दिखाती हूँ उनकी फेवरेट, उनको बहुत शौक चढ़ा था। लेट्स गो। ये रही जी बाइक, चलो देखते हैं। ये रही है। ओह वाओ, प्लीज, ओह वाओ, वाओ।
ये है इसका रिमोट, आज पहली बार देखा है किसी बाइक का रिमोट भी होता है। ओह वाओ, नई दुल्हन आई है घर पे, वाओ। चलो अब मुझे इसकी राइड चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमें बड़ा मजा आया, थैंक यू फॉर द राइड, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। हमारी दुल्हन, नई दुल्हन आपकी है ना।